हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट सुंदर पुनीत। आज मैं फिर से ले आया हूं एक और ईडीएस का न्यू ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप कैसे एआई सिनेमैटिक इफेक्ट अपने शूट्स में क्रिएट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। सो इसमें हम लोग बात करेंगे फायरफ्लाई, जो एआई फायरफ्लाई जो सॉफ्टवेयर है अडोब का, जो ऑनलाइन आप जनरेटिव एआई यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज करके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड्स को रिप्लेस किया जा सकता है और ज़रा क्रिएटिव बनाया जा सकता है। इस वीडियो का इंस्पिरेशन मैंने लिया है साजन मैदान जी के प्रीमियर प्रो वाले ट्यूटोरियल से, और प्रीमियर प्रो में उन्होंने सिखाया था किस तरीके से मास्किंग करके इसे यूज किया जाता है। मैं आज बात करूंगा ईडीएस में आप कैसे कर सकते हो, ईडीएस 10 हो गया, ईडीएस 11 हो गया, उसमें आप किस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोग ईडीएस यूज करते हो और उसमें भी अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो वो हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो टाइमलाइन नजर आ रही होगी, और यहाँ जो आप देख सकते हैं क्लिप के अंदर, ये क्लिप है जहाँ पे मैंने जो है वो 3 बारी बैकग्राउंड चेंज किया फायरफ्लाई को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले था सनसेट वाला बैकग्राउंड, स्काई रिप्लेसमेंट किया मैंने, फिर उसके बाद हमारा जो है वो स्टारी नाइट वाला, और उसके बाद फिर हमारा माउंटेन स्काई। तो ऐसे स्काई रिप्लेसमेंट और ऐसे बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट आप एआई को यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हो और अपनी वीडियोस को बड़ा कूल दिखा सकते हो। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, देखो मैंने यहाँ पे साजन मैदान की ही वीडियो क्लिप्स को यूज़ किया है जो उन्होंने उस प्रोजेक्ट में, जो उन्होंने प्रीमियर वाले प्रोजेक्ट में दी हुई थी। तो आप इस क्लिप को डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट से जाके, मैंने लिंक में ड्रॉप करा हुआ होगा, एक सैम्पल क्लिप है टू टेस्ट आउट योर फुटेज। अब हुआ क्या था कि यार मेरे पास कोई भी एक ऐसी क्लिप नहीं थी इस टाइप के बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के लिए, ना आपको एक स्टैटिक क्लिप चाहिए जिसमें बैकग्राउंड में स्पेस ज़्यादा हो। जैसे कि ये जो आप क्लिप देख रहे हो, इसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे स्टैंड है और यहाँ पे पूरा जो स्पेस है ना, ये वाला जो स्पेस है, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा यहीं पे मूव कर रहा है, इस फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है, और इसके बाद पूरा का पूरा स्पेस जो है हमारे लिए फ्री को जिसमें हम जेनफिल यूज करके और यू नो करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कोई AI बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट करने वाले हैं तो आपको पहले ही अपनी क्लिप ऐसे शूट करनी पड़ेगी कि आप जो है वो जेनफिल अप्लाई कर सको। क्योंकि मेरे पास कुछ मेरी शूट हुई भी क्लिप थी, पर उसमें मेरे पास इतना वाइड शॉट नहीं था और बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं था, इस वजह से मैंने बहुत बारी ट्राई करने के बाद में उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, और दैट्स वाई मुझे साजन मैदान से हेल्प लेनी पड़ी इस क्लिप को यूज करने के लिए, टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ शॉट और टू गेट दिस वीडियो फॉर यू। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपको भी शुरू से करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो मैं ये तीनों इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस क्लिप के, ये क्लिप जो है वो एक एसलॉक क्लिप थी, आप देख सकते हैं फ्लैट क्लिप है, और इसको कलर ग्रेड किया था मैंने प्राइमरी कलर टूल्स को यूज करके। तो मेरा यहाँ पे कलर करेक्शन में अगर मैं आता हूँ, मेरे पास प्राइमरी कलर टूल है यहाँ पे मेरा, ये मैं अप्लाई करूंगा मेरी क्लिप के ऊपर, और इसके ऊपर मैं अपनी एक मास्टर लेट लगा दूंगा जिससे वन गो में मेरी फुटेज जो है वो कलर ग्रेड हो जाएगी। ब्लॉकबस्टर 16, नो ठीक है, ये वाली तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी लट है जिनमें से कोई भी एक लट यूज करके मैं मेरी फुटेज को जो है वो कलर ग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ब्लॉकबस्टर 6 यूज कर लिया, थोड़ा सा सैचुरेट हाईलाइट्स थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा लाइट कम कर दिया एक्सपोजर, और ओके हिट कर दिया। ये जो लट्स है ना, ये लट आपको अवेलेबल है मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये रही, और ये मेरी वेबसाइट है जहाँ से आप इन लट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ब्लॉकबस्टर लट है, सोनी एसलॉक के लिए मैंने डिजाइन करी और बहुत बढ़िया लट है। इसके अलावा EDS का डेटा भी अवेलेबल है, ओपन प्रोजेक्ट्स फॉर वेडिंग और ओपन प्रोजेक्ट्स फॉर रील्स, प्लस मेरा एक कोर्स भी चल रहा है जो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिजिटल कोर्स है EDS का, वो आप डेफिनेटली जाके ज्वाइन करना। ठीक है, वापस आया एडिटिंग के ऊपर। सो ये मेरी क्लिप है, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, स्टिल इमेज, और इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने माय कंप्यूटर में जा करके ड्राइव ए में, और इस इमेज का नाम रखते हैं हम सैम्पल। ठीक है, ये मैंने इमेज जो है वो टिफ की जगह हम इसे जेपैक में सेव करेंगे, जेपैक फाइल इंच चेंज फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने, ये सेव हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा गूगल क्रोम में और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अडोब फायरफ्लाई। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं पहले क्या करता हूँ, वापस चले जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जेन फिल फीचर है, जनरेटिव फिल, इस पर क्लिक करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे हमें अपनी इमेज अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करने के लिए हम सिंपली डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ फिर ड्राइव डी में जाएंगे जहाँ पे हमने वो इमेज सेव करी थी, दिस पीसी,
डेटा स्क्रीनशॉट सैंपल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट का सैंपल आ चुका है, ठीक है। अब मुझे जिस भी एरिया में जनरेटिव फिल ऐड करना है, मुझे बस इसको इरेज करना है ऐसे करके, ठीक है, मैं इरेज करूँगा, एक मिनट क्लियर करें एक बार, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ताकि इरेज जो है वो मास्किंग जो है आप बाद में कर पाओ एडिटिंग में, ठीक है, तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ना। तो ये पूरा हम लोग बैकग्राउंड यहाँ से हमने इरेज कर दिया, ये बैकग्राउंड इरेज हो गया है पूरा। अब मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, तो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा सनसेट स्काई, ठीक है, इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है जनरेट करने में इसे। हाँ, सो यहाँ पे हमारे पास यस, सो आप देख सकते हैं माउंटेन वाला सनसेट आ गया और यहाँ पे एक नॉर्मल स्काई सनसेट आ गया। ये इमेज अच्छी लग रही है, ये हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। इसमें हम लोग थोड़ा और प्रॉम्प्ट अच्छा दे सकते हैं, सनसेट स्काई विथ सन एंड मून, ठीक है, और अच्छा प्रॉम्प्ट दिया हमने। सो देखिए बेसिकली जनरेटिव एआई ना प्रॉम्प्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दोगे ना उतना बढ़िया आपको रिजल्ट बन के निकलेगा। अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया है, लेट सी के यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट होके आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मून आ गया है और ये तो बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। आई थिंक ये वाला ठीक है ना, ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये दो इमेजेस डाउनलोड हुई हैं, ठीक है, जिन्हें हमें हमने अडोब फायरफ्लाई को यूज करके जनरेट किया है। अब हम इसे मास्क करना सीखेंगे, कैसे मास्क करना है, ठीक है। अब मास्क करने के लिए हम जाएंगे वापस EDS में, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग अपनी जो फोटोज हैं, ये दो फोटोज हैं, ठीक है, ये पहले मैंने जनरेट किया था कुछ नाइट स्काई वाले शॉट्स पे, है ना, ये मैंने जनरेट करे थे, तो ये हम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमने यहाँ पे कलर टोन चेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ लट को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे दो सिलेक्ट करूँगा, EDS की टाइमलाइन पे आऊँगा और टाइमलाइन पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दो इमेजेस आप देख सकते हो ऐड हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस इमेज को लेते हैं विच हैज अ सनसेट सॉर्ट ऑफ लुक, ठीक है, ये रहा सनसेट वाला लुक है, और इसको यहाँ पे अब हमें इसको मास्क करना है। मास्क करने के लिए हमारे पास में जो है वो वीडियो फिल्टर्स के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको मास्किंग टूल दिखेगा नीचे आने के बाद में मास्क, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो है वो पेस्ट करेंगे हमारी फोटोज के ऊपर, फिर मास्क पे आएंगे। मास्क में आने के बाद में हमें करना क्या है, हमें अपना मास्क अप्लाई करना है। सो ये पेन टूल लेंगे, ठीक है, हमारे पास स्पेस है तो हम लोग इतना मास्क लगा सकते हैं, ये मास्क हमारा लग गया है, ठीक है। अब हम इनसाइड ओपेसिटी कर देंगे कम, ऑलरेडी कम कर रखी है हमने, और यहाँ पे जो सॉफ्टनेस है, ठीक है, उस पर टिक करेंगे और उसको बढ़ा देंगे बिकॉज ऑफ एजेस ना नजर आए, ठीक है, तो मैं इसको 200% तक ले जाऊंगा, ओके हिट कर देते हैं। नाउ आप देख सकते हैं हमारा जो है वो रिप्लेस, ये हमारा ओरिजिनल स्काई था, ये हमारी इमेज प्ले हुई और ये हमारा स्काई रिप्लेस हो गया, ठीक है। वैसे ही हम आगे वाली इमेज पे अगर आए तो एक अच्छी चीज ये है कि अब आप मास्क को सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो दूसरी इमेज के ऊपर। तो मैंने ये मास्क उठाया, ये कॉपी पेस्ट किया दूसरी इमेज के ऊपर, यहाँ पे भी मेरा स्काई आपके सामने जो है वो बढ़िया से रिप्लेस हो गया, ठीक है। कितना इजी है ना ये, कितना इजीएस्ट तरीके से आप जो है वो सिनेमैटिक स्काई और यू नो एलिमेंट अपने इमेजेस में नाउ चेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ जो है वो फायरफ्लाई जो है उसको यूज करके बहुत ईजिली किया जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊं कि यार मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है अपनी, ये मेरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने पूरी की पूरी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। EDS के ऊपर अब तक मैं 45 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग, कैमरा सेटिंग्स, मोशन ट्रैकिंग, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, CBR, VBR। तो आप ये पूरे के पूरे सेट ऑफ ट्यूटोरियल्स जाकर के एक जगह देख सकते हो, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, ये पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आप इसको जरूर जाकर के चेकआउट करना। सेकंड, अगर आप EDS खरीदना चाहते हैं इंडिया में, EDS 11 का लाइसेंस काफी सस्ता मिल रहा है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, 19,200 रुपए का मिल रहा है, जिसे आप जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से EMI पे भी परचेज कर सकते हो, विच इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग टू हैव इन योर बैग। तो इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए हैं। और ये था अबाउट ट्यूटोरियल कि आप किस तरीके से ऐसे जो है वो AI को यूज करके, AI फीचर्स को यूज करके
इस तरीके से जो है वो स्काई रिप्लेसमेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने शॉर्ट्स में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप शूटिंग।